नमस्कार। आज हम सांभर बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने 100 ग्राम अरहर की दाल ली है, इसे तुअर दाल भी कहते हैं। और इसमें सब्जियों में ये मैंने प्याज लिया है, मूली है, भिंडी, गाजर, टमाटर और ये बीन्स है, और ये लौकी। और मसालों में ये हींग है, ये करी पत्ता, इमली का पल्प है 2 चम्मच, अदरक 1 इंच टुकड़ा काट कर लिया है, 2 चम्मच सांभर मसाला है, और ये सरसों के दाने हैं, 4 लाल मिर्चें ली हैं, मेथी दाना है, और ये हरी मिर्च। और देखिए मसालों में ये नमक डालेंगे, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर, जीरा, इन सभी मसालों का हम इसमें प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम दाल को भिगोकर धोकर साफ करेंगे। ये देखिए मैंने दाल को धोकर साफ कर लिया है, और इसमें हम 2 ग्लास पानी डालेंगे। नमक डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, और इसको हम उबलने रख देंगे। ये देखिए मैंने दाल को गैस पर चढ़ा दिया है, और ये 5 सीटी आने तक हम इसको उबालेंगे। हम गैस बंद कर देंगे, और ठंडा होने पर हम कुकर को खोलेंगे। देखिए हमारा कुकर ठंडा हो गया है, हम इसको खोलेंगे। देखिए गल गई है हमारी दाल। देखिए अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। ये देखिए टमाटर डाल देंगे, भिंडी, मूली, प्याज, गाजर, लौकी, बीन्स और ये अदरक, और इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। और अब इसको हम बंद कर देंगे, और 2 सीटी आने तक हम इसको बनाएंगे। 2 सीटी आ जाएंगी तब इसको हम खोलेंगे। देखिए 2 सीटी आ गई हैं, और इसको गैस को हम बंद कर देंगे, और ठंडा होने पर हम इसे खोलेंगे। देखिए कुकर हमारा ठंडा हो गया है, और हम खोल लेंगे इसको। देखिए हमारी सब्जियां सब गल गई हैं। अब इसमें हम ये इमली का पल्प डालेंगे, सांभर मसाला अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। देखिए अब हम इसमें पानी मिलाएंगे, 2 ग्लास पानी हमने डाला था, और इसमें हम देखिए 2 ग्लास पानी और मैंने डाल दिया, सब मिलाकर के मैंने 4 ग्लास पानी डाला है। अब इसको हम 4-5 मिनट धीमी आंच पर इसको और पकाएंगे। धीमी आंच पर, लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है, और इसमें हम ये थोड़ा सी हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नमक, और हम इसको बंद करके धीमी आंच पर हम इसको पकाएंगे। ये कुकर हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसे खोलेंगे। देखिए हमारा सांभर बन के तैयार हो गया है, हम इसका तड़का तैयार करेंगे। ये देखिए
इसके लिए देखिए मैंने पैन में ये तेल गरम कर लिया है, इसमें हम ये सरसों डालेंगे, मेथी और सरसों दो चीजें मैंने डाली हैं इसमें, और ये हींग, लाल मिर्च और ये करी पत्ता। और अब इसको बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, इससे मसालों का फ्लेवर इस सांभर में आ जाए। थोड़ी देर के बाद हम इसको खोलेंगे। देखिए 6-7 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोल लेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। देखिए हमारी तैयार हो गई है, और इसको देखिए हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए हमारा सांभर बनके बिल्कुल तैयार है, इसे हम हरी धनिया से गार्निश करेंगे। हमारा सांभर बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बना है। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।